हेलो दोस्तों, अपनी हॉरर दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड मिसिंग 411 के ऊपर है। आप लोगों में से जिन लोगों को मिसिंग 411 के बारे में नहीं पता, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि अमेरिका में हर साल सैकड़ों लोग गायब हो जाते हैं, जो लोग पहाड़ों या जंगलों में हाइकिंग के लिए जाते हैं। तो इनमें से ज़्यादातर लोग तो मिल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग गायब हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत ही रहस्यमय तरीके से उस जगह से काफ़ी दूरी पर मिलते हैं और कुछ की डेड बॉडी ही मिलती है। जो लोग मिल जाते हैं वो बताते हैं कि उन्हें अचानक से कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी थी और उसके बाद वो वहाँ कैसे पहुँचे उनको कुछ याद नहीं। कुछ लोगों के शरीर पर एक अजीब सा निशान बना हुआ मिलता है। साथ ही साथ कुछ लोग तो एक रहस्यमय जीव के देखे जाने का भी दावा करते हैं। इनमें से ज़्यादातर घटनाएं तो गवर्नमेंट द्वारा दबा दी जाती है। तो डेविड पोलाइडिस, जो कि एक फॉर्मर पुलिस मैन है, वो इन सब घटनाओं पर अपनी रिसर्च करते हैं और रिसर्च के दौरान जो कुछ भी घटनाएं उन्हें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज लगती है, उनके ऊपर वो अपनी सीरीज ऑफ बुक भी लिखते आ रहे हैं, जिसका नाम है मिसिंग 411। तो ये आगे की कहानी उन्हीं रहस्यमय घटनाओं के ऊपर है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप सभी को सच्ची पैरानॉर्मल घटना सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी पहली कहानी। तो जो पहली घटना है, उनके फैमिली के साथ दो बार ऐसी पैरानॉर्मल घटना हुई थी और शायद से दोनों घटना एक दूसरे से रिलेटेड थी। तो 1 अक्टूबर 2010 को चार लोगों की फैमिली, जिन्होंने डेविड पोलाइडिस की बुक में अपना नाम बताने से मना किया है, उनके फैमिली में एक 3.5 साल का बच्चा, उसकी बड़ी बहन, उसकी माँ और पापा, कुल चार लोग कैंपिंग के लिए कैलिफोर्निया के माउंट शास्ता नाम के कैंपिंग साइट पर जाते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, वो सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। तब शाम के करीब 6 बजे उस बच्चे की बड़ी बहन बताती है कि वो दोनों कैंप फायर के पास ही बैठे थे और उसकी सिस्टर ने बस अपना गर्दन दूसरी तरफ घुमाकर फिर अपने भाई की तरफ किया और उतने में ही उसका भाई वहां से गायब हो गया था। मतलब सिर्फ 2 से 3 सेकंड में ही उसका भाई उसकी जगह से गायब हो गया था। तो उसकी बहन ने आसपास देखा और उसे उसका भाई नहीं मिला, तो वो डर के अपने मम्मी और पापा को बता दी और वे सब लोग अपने बच्चे का नाम लेकर उसे ढूंढ रहे थे। काफ़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें वो नहीं मिला। उतने ही देर में सर्च और रेस्क्यू टीम भी आ गई थी। करीब 100 लोगों ने मिलकर कैंपिंग साइट के आसपास के सारे इलाकों को ढूंढ लिया, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। और करीब 5 घंटा ढूंढने के बाद उनको वो पास की ही एक झाड़ी पर लेटा हुआ मिला। अजीब बात तो ये थी कि वो वहां पे पहले नहीं था। रेस्क्यू टीम ने वहां पर 2 बार चेक किया था, वो वहां पहले नहीं था, फिर अचानक से आ जाता है। सब लोग खुश थे, उसके मम्मी पापा, रेस्क्यू टीम, सभी खुश थे। किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वो वहां पर पहले नहीं था और अब कैसे आ गया। बच्चा पूरी तरीके से नॉर्मल था, मतलब उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था। वो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टर भी बोलता है कि बच्चा पूरी तरीके से नॉर्मल है, वो बस थोड़ा डरा हुआ है। तो वो लोग बच्चे को लेकर घर आ जाते हैं और फिर कुछ ही दिनों में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वे सभी बहुत ही खुश थे कि उनको अपने बच्चे को खोना नहीं पड़ा। और करीब 3 वीक के बाद वो बच्चा अपनी दादी के साथ था। वो अपनी दादी को कैपी बुलाता था। उसने अपनी दादी को देखते हुए बोला कि मुझे वो दूसरी कैपी पसंद नहीं है। उसकी दादी, जो कि रियल कैपी थी, वो थोड़ा शॉक में आ जाती हैं और पूछते हैं कि क्या मतलब। तभी आगे जो बच्चा बताता है, उसने ऑलरेडी अपने पापा को बताया था, लेकिन उसके पापा ने सोचा कि ये सिर्फ 3.5 साल का बच्चा है और इसकी बात को इग्नोर कर दिया था।
तो वो अपनी दादी को बताता है। वो कहता है कि जब उस दिन वो कैंपिंग पे था तो वो कैपी को देखता है और कैपी उसे अपने पास इशारा करके बुलाती है। तो वो उनके पास जाता है, कैपी उसे पकड़कर एक पहाड़ पे गुफा में ले जाती है। वो बताता है कि गुफा के अंदर बहुत सारे पर्स थे और उस पे मकड़ियाँ भी थी। उसकी दादी जो कि रियल कैपी है वो थोड़ा डर जाती है क्योंकि वो कैंपिंग पे तो गई ही नहीं थी। वो सोचती है कि शायद कोई बहरूपिया जो उनके जैसा ही दिखता है वो उनके बच्चे को किडनैप करने की कोशिश करता है। तो फिर बच्चा आगे बताता है कि उसने कैपी की ओर देखा और उनका सर चमक रहा था और फिर उस बच्चे को समझ में आया कि ये रियल कैपी नहीं है, ये दूसरी कैपी है। और फिर वो बच्चा बताता है कि वो दूसरी कैपी उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ रही थी जिसका आंसर उसको नहीं पता था। और वो दूसरी कैपी गुस्सा हो गई और वो उस बच्चे को गुफा से चले जाने के लिए बोलती है और वो बच्चा वो गुफा छोड़कर कैंपिंग साइट की ओर आने लगता है और जहाँ पे वो मिला था फाइनली वो वहीं पर आ जाता है। उसकी दादी ने पूरी स्टोरी सुनी और उसके पापा से बात की। उस बच्चे के पापा ने कहा कि उनको ये पता है। तो उस बच्चे की दादी बोलती है कि तुमको ये अजीब नहीं लगता कि कोई मेरी शक्ल का उस बच्चे को लेकर चला गया था। फिर कैपी उनको अपनी स्टोरी बताती है। बच्चे की दादी बताती है कि मुझे नहीं पता ये कहानी इस बच्चे की स्टोरी से रिलेटेड है या नहीं, लेकिन करीब एक साल पहले मैं भी माउंट शास्ता पे कैंपिंग के लिए गई थी। मेरे साथ मेरे कुछ और दोस्त भी थे। दिन में तो सब कुछ नॉर्मल ही था और जब रात होती है तो कैपी को जंगल में दो आंखें दिखाई देती है और उनके सभी दोस्तों ने उन आंखों को देखा। वे आंखें कभी इस दिशा से दिखती तो कभी दूसरे दिशा से दिखती। उन लोगों ने अपनी टॉर्च की मदद से उन आंखों पर लाइट भी मारी लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो आंखें बहुत ही जल्दी अपना जगह बदल ले रही थी। तो कैपी और उनके दोस्त दोनों डिसाइड करते हैं कि ये कोई जानवर होगा और उनको अब सो जाना चाहिए। तो कैपी अपने कैंप में चली जाती है सोने के लिए और उनका दोस्त अपने कैंप में। फिर जब सुबह होती है तो कैपी अपने आप को कैंप के बाहर पड़ी हुई दिखती हैं और फिर तुरंत ही उनको अपने गर्दन के पीछे थोड़ी सी दर्द का एहसास होता है और वो अपने हाथ से अपने गर्दन पर हल्का सा कट का निशान भी महसूस कर सकती थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज क्या है और फिर वो अपना सर सामने करती हैं और उनका दूसरा दोस्त वो भी अपने कैंप के बाहर ऐसा पड़ा हुआ मिलता है। वो जल्दी से भाग के जाती है, उसे उठाती है। वो उठता है और उसके गले पर भी वही सेम निशान था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मकड़ी ने काटा हो। कैपी बोलती है कि वो और उनका दोस्त दोनों ही उस दिन बीमार पड़ गए थे। मुझे नहीं पता कि ये दोनों स्टोरी आपस में रिलेटेड है कि नहीं, लेकिन माउंट शास्ता मिसिंग 411 की स्टोरीज के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ये थी पहली स्टोरी। अब चलिए चलते हैं आज की अपनी दूसरी स्टोरी पर। तो आज की ये दूसरी स्टोरी एमिली बेस्टमैन और उनकी दोस्त फ्रेंजी ब्राउन के ऊपर है। ये कहानी हाल ही की है, 29 अगस्त 2020 की। तो फ्रेंजी और उनकी दोस्त एमिली कैंपिंग ट्रिप के लिए सिकोया नेशनल पार्क जो कि कैलिफोर्निया में है वहां पर जाती हैं और दोनों ही एक बहुत ही वेल एक्सपीरियंस्ड हाइकर हैं। लेकिन इस ट्रिप के बाद से उनका कोई भी पता नहीं मिला। जब फैमिली वालों ने रिपोर्ट किया तो एक सर्च एंड रेस्क्यू टीम रवाना हुई। काफी दिन तक सर्च करने के बाद भी उनको इन दोनों में से किसी का भी कोई अता पता नहीं चला और महीनों बाद एक दूसरे हाइकर को उसी जगह पे जो कि नदी के पास में ही था उसको वहां पे एक स्टोव मिला और अथॉरिटीज ने अंदेशा लगाया कि वो शायद मदद के लिए स्टोव को जलाना चाहती थी। और दोबारा एक रेस्क्यू टीम उनको ढूंढने के लिए लग गई और उनको उसी आइलैंड के पास कुछ ही मीटर की दूरी पर एक मंदिर मिला। मंदिर एक बहुत ही विचित्र जगह पर बना हुआ था।
नदी से करीब थोड़ी ही दूरी पर था, लेकिन ऐसी जगह पर था जहां पर कोई भी हाइकर जल्दी नहीं जाता। वो सभी लोग उस मंदिर में गए और मंदिर के दरवाजे के पीछे एमिली की दोस्त फ्रेंजी का बॉडी मिला। फ्रेंजी का शरीर उस दरवाजे के पीछे था और एमिली का कुछ पता नहीं चला। ये स्टोरी आज भी मिस्टीरियस है, किसी को नहीं पता कि उनकी मौत कैसे हुई और एमिली का क्या हुआ। तो ये थी आज की दूसरी स्टोरी। आशा करता हूँ कि आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।